नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको अधिगम के लिए आकलन की यूनिट 5 का टॉपिक पृष्ठ पोषण पढ़ा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको पृष्ठ पोषण का अर्थ, परिभाषा, विशेषताओं के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ पोषण को प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से दिशा निर्देशों का पालन अध्यापक को करना चाहिए। आप आगे आने वाले शिक्षाविद हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि फीडबैक कैसे दिया जाता है, कब देना है, किस प्रकार का देना है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पृष्ठ पोषण क्या होता है, तो पृष्ठ पोषण छात्र के व्यवहार में परिवर्तन करने का एक उपकरण है, आकलन का एक हिस्सा माना जाता है और निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है बच्चे का वो किसके माध्यम से होता है, पृष्ठ पोषण के माध्यम से बच्चे का निर्माणात्मक मूल्यांकन होता रहता है, रचनात्मक मूल्यांकन छात्र का होता रहता है। तो पृष्ठ पोषण जो है फीडबैक जो अध्यापक द्वारा छात्र की अनुक्रिया पर दिया जाता है, छात्र जो भी अनुक्रियाएं करता है उन अनुक्रियाओं का आकलन करके, अवलोकन करके जो आपकी प्रतिक्रिया देता है उसे ही हम पृष्ठ पोषण, प्रतिपुष्टि या फीडबैक के नाम से जाना जाता है। देखो, पृष्ठ पोषण और प्रतिपुष्टि एक ही वर्ड है, ध्यान रखना, फीडबैक को ही प्रतिपुष्टि या पृष्ठ पोषण के नाम से जाना जाता है। तो पृष्ठ पोषण को प्रभावी कैसे बनाएंगे, तो ध्यान रखना, जब भी आप फीडबैक दे रहे हैं तो फीडबैक देने का सबसे पहला रूल है प्रशंसा व सकारात्मक भाषा का उपयोग। ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी छात्र की प्रशंसा करें तो उसके कार्यों की प्रशंसा करें, प्रशंसा ऐसी हो जो उसके लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। मान लो आप किसी बच्चे की आलोचना कर रहे हैं तो उसके कार्यों की आलोचना करें ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। आपकी जो भाषा हो वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट होनी चाहिए, ऐसा किसी भी प्रकार का फीडबैक छात्रों को नहीं दिया जाना चाहिए जिसमें नकारात्मक भाषा का प्रयोग हो। तो ध्यान रखना, प्रशंसा व सकारात्मक भाषा का उपयोग करना चाहिए फीडबैक देते समय। और आप जब भी फीडबैक दे रहे हैं तो हम फीडबैक देते समय ये बोल देते हैं शाबाश, बहुत अच्छा, लेकिन इसके अलावा भी हम और ऐसे कई ऐसी सकारात्मक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं ताकि हमारा फीडबैक और अधिक प्रभावी बन सके। तो देखिए, हम कह सकते हैं यह एक अच्छा सवाल है। मान लो छात्र आपके द्वारा एक प्रश्न पूछा जा रहा है और आप छात्र का फीडबैक लेना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं कि मैं एक बहुत ही अच्छा सवाल आपसे पुटअप करने जा रहा हूं, तो आप इसका जवाब दीजिए। तो यह एक अच्छा सवाल है। मान लो छात्र ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया तो आप बोल सकते हैं, आपने जो आंसर दिया वो बहुत ही अच्छा प्रयास किया, आपने जो भी प्रयास दिया आंसर देने में मैं उससे बहुत ही प्रभावित हूँ, ऐसा शिक्षक कह सकता है। और मान लो छात्र ने आंसर 60% या 70% दिया है तो आप उसको कह सकते हो कि आप इससे और भी अधिक बेहतर इसका जवाब दे सकते हो और उसी के साथ अपना फीडबैक देने के साथ ही उसका बेहतर कैसे कर सकते हो ये छात्र को इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए ताकि वो फीडबैक के माध्यम से अपनी गलतियों को सुधार सके, उसको अभी प्रेरणा के रूप में फीडबैक को काम में लिया जाना चाहिए। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों जो कि आगामी दिनों में शिक्षाविद बनने जा रहे हैं कि हमेशा पृष्ठ पोषण देते समय, फीडबैक देते समय प्रशंसा व सकारात्मक भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, आपका जो भी सकारात्मक भाषा हो वो प्रेरणादायक होनी चाहिए, काम पर लक्षित होनी चाहिए, किसी भी छात्र को इंगित करके आपको फीडबैक नहीं देना है। छात्र ने जो भी काम दिया है काम को लक्षित करते हुए हमेशा फीडबैक दिया जाना चाहिए, फीडबैक ऐसा होना चाहिए ताकि छात्र अपनी गलती को सुधार सके। तो पहला दिशा निर्देश ये है।
दूसरा देखिए, संकेत देने के साथ साथ सुधार का उपयोग किया जाना चाहिए। मान लो आपने कह दिया बालक ने बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं, तो आपने संकेत दे दिया कि आपने जो किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन आपको इसको और अच्छा पढ़ना है और अच्छा जवाब मेरे पास में आना चाहिए। तो बालक की गलतियों को सुधारने का आपने प्रयास किया, यह बहुत अच्छा प्रयास है। कुछ और सोचिए, मान लो छात्र ने गलत जवाब दे दिया और आपने उसको कह दिया नहीं इसका उत्तर ये नहीं होगा, तो छात्र की सोचने की कैपेसिटी वही खत्म हो जाएगी, छात्र उस टॉपिक के बारे में बोलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने ये कहा कि नहीं बहुत अच्छा प्रयास रहा, लेकिन आप कुछ और सोचिए कि इसका जवाब कुछ और भी हो सकता है क्या, तो बालक उस विचार के बारे में सोचने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। उसके बाद में देखिए स्पष्ट करें, मान लो किसी बच्चे ने वो जवाब दे दिया जो गलत है, तो उसको उससे पूछेंगे कि आपने ये जवाब क्यों दिया, आप किस कारण किस नतीजे पर पहुंचकर आपने ये आंसर दिया, इस बारे में बच्चे से पूछ सकते हैं। एक बार फिर से सोचिए कि क्या इसका आंसर जो आपने दिया है वो सही है। इस तरीके से क्वेश्चन अगर हम पुटअप करेंगे तो बालक अपनी गलतियों को सुधारेगा, और कुछ सुधारात्मक भाषा का अगर हमने प्रयोग किया तो बच्चों का फीडबैक क्या होगा, प्रभावी होगा, और संप्रेषण भी प्रभावी होगा। क्योंकि अगर फीडबैक प्रभावी होता है तो शिक्षक और छात्र के बीच भी जो संवाद है वो भी बहुत ही अच्छा होता है, कक्षा का वातावरण भी सरस होता है अगर फीडबैक प्रभावी होता है। तो ध्यान रखना, प्रशंसा व सकारात्मक भाषा का उपयोग करना है, संकेत देने के साथ साथ सुधार का उपयोग करना है, स्वयं सुधार करना व समकक्षों में सुधार करवाना। मान लो शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जो भी काम की कड़ियां है उन सबको जोड़कर छात्र के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि छात्र भी अपनी गलतियों को सुधार सके और शिक्षक भी अपनी गलतियों को सुधार सके। सभी लोगों को एक दूसरे से जोड़ करके, एक दूसरे को साथ करके उन गलतियों को बताया जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर सामूहिक प्रश्न पोषण के माध्यम से हम स्वयं में भी सुधार कर सकते हैं और अपने जो बालक है उनकी गतिविधियों में भी सुधार कर सकते हैं। फिर है सामयिक व उपयोगी प्रतिपुष्टि, ये दिया जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लो कक्षा में कोई बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है और हमने उसके तात्कालिक प्रतिपुष्टि नहीं दी, तो वो काम उसके लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना, हमेशा प्रतिपुष्टि सामयिक होनी चाहिए, तात्कालिक होनी चाहिए, और बालकों की गलतियों में सुधार होने का प्रयास करें, ऐसी प्रतिपुष्टि जो है होनी चाहिए। ये दिशा निर्देश है एक शिक्षाविद के लिए। अध्यापन में समायोजन, आप जानते हैं अगर हमने सामयिक प्रतिपुष्टि नहीं दी, उपयोगी प्रतिपुष्टि नहीं दी, तो अध्यापन में क्या नहीं हो पाएगा, समायोजन नहीं हो पाएगा, छात्र कक्षा के वातावरण में समायोजन नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखना, हमें उपयोगी प्रतिपुष्टि देनी है, सामयिक प्रतिपुष्टि देनी है, ताकि अध्यापन करने में हमें समायोजन करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि अगर हमारा फीडबैक प्रभावी है, कक्षा का वातावरण अच्छा है, तो क्या होगा, समायोजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर है, हम बालक को प्रोत्साहित करके भी फीडबैक दे सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मान लो कोई छात्र कम कर पा रहा है, कोई छात्र अच्छा कर पा रहा है, तो जो अच्छा कर पा रहा है उसको कम अच्छा करने वाले के साथ कर देंगे, ताकि वो एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे से मोटिवेट होंगे, और सहकारी अधिगम के माध्यम से इस प्रकार का काम हम कर सकते हैं। इस उत्तर में कुछ और जोड़ सकते हैं, ऐसा फीडबैक भी बच्चे को दे सकते हैं। मान लो किसी बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसे और बेहतर बनाना है, तो हम उसे कह सकते हैं कि आपने उत्तर का आंसर बहुत ही अच्छा दिया है, लेकिन आप इसमें और कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से प्रोत्साहित करके भी हम बालक को क्या कर सकते हैं, पृष्ठ पोषण को प्रभावी बना सकते हैं। तो पृष्ठ पोषण को प्रभावी बनाने के लिए प्रशंसा व सकारात्मक भाषा का उपयोग करेंगे, संकेत देने के साथ साथ सुधार का उपयोग करेंगे, स्वयं सुधार करेंगे, और समकक्षों में सुधार करने का प्रयास करेंगे, सामयिक व उपयोगी प्रतिपुष्टि देंगे, अध्यापन में समायोजन क-
करने में सहायता प्रदान करेंगे और बालक को प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं विद्यार्थियों, देखो अगर हमें पृष्ठ पोषण को प्रभावी बनाना है तो कुछ दिशा निर्देश ध्यान रखना है आपको। एक तो हाँ या ना में आंसर नहीं देना है। अगर हम हाँ या नहीं में आंसर देते हैं तो बच्चे का मानसिक विकास वहीं रुक जाता है। हाँ के साथ अच्छा प्रयास किया और अधिक बेहतर कर सकते हो, इस तरीके की सांकेतिक भाषा का उपयोग हमें करना चाहिए कक्षा वातावरण में, ताकि कक्षा का वातावरण अच्छा होगा, बालकों में समायोजन अधिक प्रभावी होगा, शिक्षक और छात्र का संवाद बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा छात्र शिक्षक की जो अंतर्क्रिया है वो भी बहुत अच्छी होगी। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज मैंने आपको पृष्ठ पोषण को प्रभावी बनाने के दिशा निर्देशों के बारे में बताया है, ताकि आप फीडबैक के माध्यम से कक्षा के वातावरण को अच्छा बना सके और एक शिक्षाविद होने के नाते एक अच्छी शिक्षा बालकों को प्रदान कर सके विद्यार्थियों। आगे भी इसी तरीके के वीडियो आते रहेंगे, इसके लिए आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को लाइक्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूं। धन्यवाद।